मित्रों, ये सवाल है, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 14 वर्ष थी, 18 वर्ष थी। सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई, सी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो इसमें फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, ए है और बी है, दो जन हैं, इनकी औसत आयु दिया हुआ है 18 वर्ष, तो कुल कितना हो जाएगा मित्रों? कुल हो जाएगा 2 × 18, तो 18 × 2 = 36 वर्ष, 36 वर्ष हो गया। अब ये देखिए, अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत है, अब यहाँ देखिए सी और मिल जा रहा है, ए बी और सी, कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। इनकी औसत आयु कितने आ रही? 22 वर्ष, तो कुल कितनी हो जाएगी? कुल हो जाएगी 3 × 22 बराबर हो जाएगी 66 वर्ष। तो सी की वर्तमान आयु, ये देखिए 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व है, ये 3 वर्ष पूर्व याद रखिएगा, ये 3 वर्ष पूर्व है। अब आज यानी कि कुल आ गई होगी, कुल आई 66 वर्ष। इसमें देखिए, इसमें ए प्लस बी की आयु, इसमें ए प्लस बी की आयु कितनी हो जाएगी? 36 तो 3 साल पहले थी, 36 वर्ष 3 वर्ष पूर्व थी, आज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? आज कितनी हो जाएगी? 3 साल ए का जुड़ेगा, 3 साल बी का जुड़ेगा, 6 वर्ष, तो 36 + 6, ये ए प्लस बी का है ना, जो 3 साल आज जुड़ गया, 6 वर्ष, तो हो जाएगा 42। आज दोनों की कुल आयु हो गई 42। अब देखिए सी की आयु कितनी हो जाएगी, तो सी की आयु होगी, सी की आयु होगी 66 - 42 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 24 वर्ष। सी की आयु होगी मित्रों 24 वर्ष। ये देखिए, 24 वर्ष होगी मित्रों।